हेलो अगेन इन दी अभिमन्यु IAS। आज दोबारा से एक कंसेप्ट लेके आए हैं यूट्यूब की सीरीज़ पर, जो कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म के ऊपर है। हर साल प्रीलिम्स और मेंस में इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो GS 1 हो, सोसाइटी का पार्ट GS 2 हो, आपका एथिक्स से क्यों ना हो, ऐसे ही क्यों ना हो, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड सेक्युलरिज्म and majorly about Western secularism and Indian secularism। अगर बोला जाए तो Indian secularism तो Western secularism से भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, because not only it is an Indian innovation but it is considered as a positive secularism। So आइए देखते हैं क्या है Western secularism, क्या है Indian secularism, कैसे इंडिया की एक innovation है, right? And again before I start, दोबारा से मैं आपको बता दूं कि वी आर टारगेटिंग IAS और द सिविल सर्विस एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 2023 एंड 24 ईयर, इन विच वी प्रोवाइड द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस इंटीग्रेटेड कोचिंग विद द पर्सनल मेंटरशिप। दिस कोर्स विल बी अवेलेबल इन ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द मोड्स, एंड हियर स्पेसिफिकली अबाउट मी इज दैट आई विल बी डीलिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी, right? This is my module because I teach in the Abhimanyu IAS senior faculty for Indian polity governance for both prelims and mains। So जो भी लोग Indian polity को अगर अलग से लेना चाहते हैं तो 3 दिन का उनको free trial मिलेगा मेरी class attend करने का, whether it is online or it is offline। So those students who wants to join, ये number आप इस पर contact कर सकते हैं, और अगर आप link चाहिए तो वो भी इस video के description box में available है। So now move on a lecture which is, तो पहले डील करते हैं वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। क्या होता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म? वेस्टर्न यानी जो वेस्टर्नाइज हमारी कंट्रीज हैं, यूरोप, अमेरिका, राइट। एंड सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं हिंदी में, राइट, धर्मनिरपेक्ष। डिफरेंस ऑफ यू नो नो डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। सो धर्म के बिहाफ पे भेदभाव नहीं होना, ये सारी चीज़ें ही सेक्युलरिज्म होती हैं, राइट। बट हियर वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, राइट। एज यू कैन सी इन द इमेजेस, रिलीजन इज गोइंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन एंड द पॉलिटिक्स इज गोइंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। चर्च इज गिवन इन दिस पिक्चर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड स्टेट इज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो विदाउट इवन रीडिंग दिस यू कैन अज्यूम दैट व्हाट दीज इमेजेस वांट्स टू कंक्लूड अबाउट द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। सो फिर भी देखते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। जो रिलीजन है वो अपना अलग रहे, जो पॉलिटिक्स है वो अपना अलग रहे। देयर इज नो स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस। पॉलिटिक्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिबरल, मॉडर्न एंड लीगल प्रिंसिपल्स। नो स्कोप ऑफ रिलीजियस इंटरफेरेंस, एंड रिलीजन विल वर्क एज पर इट्स ओन ट्रेडिशनल, कस्टमरी एंड अदर लॉ व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड इन द रिलीजन और द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। देन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड चर्च। चर्च जो है, एंड इन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मेनली द वर्ड रिलीजन इज नॉट दैट मच यूज इन द टर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म जितना कि चर्च यूज हुआ है, बिकॉज वहाँ पर चर्च इज अ डोमिनेटिंग अथॉरिटी इन द एरियाज ऑफ रिलीजन, राइट। सो उनका ये कहना है कि जो चर्च है जो रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, और जो गवर्नमेंट या स्टेट है जो पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करती है, वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। आप अपनी टेरिटरी में जो मर्जी करना चाहो कुछ करो, हम अपने एरिया जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है हम उसमें कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। इवन दिस इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो ओपननेस इन द रिलीजन विच इज प्रैक्टिस्ड इन द वेस्टर्नाइज कंट्रीज। देयर इज नो स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस। व्हाट अ पॉप इज सेइंग, इट इज अ माइलस्टोन फॉर एवरीवन हु इज बिलीविंग इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन, इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। जो भी एक वेस्टर्न रिलीजन के जो लीडर हैं, अगर वो रिलीजियस स्फेयर में कुछ भी कहते हैं तो स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इवन ए सिंगल थिंग। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने जो भी कहा है अपने रिलीजन के लिए कहा है वो सही है, वी आर ऑल्सो मेकिंग दैट। बट द टाइम व्हेन वी आर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट, वी आर फॉर द गवर्नेंस, फॉर द पीपल, स्टेट विल नॉट इवन कम इन द पिक्चर इन डिटरमाइनिंग एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिसी। वो गवर्नमेंट का काम है, आप अपना करो हम अपना करते हैं, राइट। सो यही एक कारण है जिसकी वजह से जो स्टेट्स है देयर इज नो परफेक्ट रिफॉर्मेशन एंड द यू नो सिस्टमेटाइजेशन नहीं है इन द वेस्टर्नाइज्ड रिलीजन एज वी हैव इन इंडिया. आई टेल यू हाउ. So there is no scope of interference, as I mentioned, in each other matter, and considered as negative concept of secularism, negative concept of liberty, negative concept of equality, negative concept of secularism. जो भी ऐसे ऐसे concept है जिनके साथ negative word use हुआ है, वो simply ये कहते हैं कि they completely want something, right? So they are saying complete interference, complete separation, and that is why they are considered as negative. क्योंकि स्कोप ही नहीं है कोई रिफॉर्म का, राइट? किसी को अपनी बात रखने का कोई स्कोप ही नहीं है. किसी को किसी के मैटर्स में अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको बोलने का अधिकार ही नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. नाउ वी आर डीलिंग अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म. दरअसल इंडियन सेक्युलरिज्म आई वुड से इट इज द मच ओल्डर सेक्युलरिज्म दैट इज प्रेवेलेंट इन दिस वर्ल्ड ओनली और इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ. हमारी ये कंट्री ऐसी है, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जो पेड़ पत्ते पौधे जानवर इनमें भी भगवान को देखती है, राइट? ब्रूम जो झाड़ू होती है उसका भी भगवान से लिंक है, राइट? सो व्हेन वी आर सो मच रिलीजियस दैट इवन आर ब्रीद is working as per the principles of religion which is prevalent in our mind. हम हर चीज़ धर्म के हिसाब से सोच के करते हैं कि हमारे धर्म में ये काम सही रहेगा, क्या करने के लिए बोला गया है, गलत है सही है, राइट? सो वी आर दैट मच रिलीजियस. जिस टाइम पे ये लोग सेक्युलरिज्म की बातें करते होंगे उससे कई सैकड़ों हज़ार सालों पहले वी हैव द सेंट्स, ऋषि जिनको आज तक पूजा जाता है, जिनकी आज तक परंपराएँ चल रही हैं, एंड इवन स्टेट इज फॉलोइंग दैट, राइट? कौन सा ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो रिलीजियस नहीं है, जो रिलीजियस कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता है? सो द मेन थिंग अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म इज वेरी मच एंशिएंट, राइट? हमारे यहाँ पेड़ पत्तों को भी भगवान माना जाता है, सांपों को भी भगवान माना जाता है, एनिमल्स, राइट? डॉग इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज दी यू नो व्हीकल ऑफ वन डाइटी, राइट? सो लेट्स सी हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज यूनिक, ancient, positive, and Indian innovation. So let's see. It is considered as positive notion and Indian innovation, which I have mentioned. कि हमारे यहाँ सब कुछ था तो सही पहले से, लेकिन we were not saying कि we are secularism because ये हमने terms जो westernized terms है we were not ready to use them. हम use ही नहीं करते थे, हम अपने मजे में रहते थे कि we are very much tolerated, we have religion, we are happy. We do not want to declare someone that we are secular. We are happy. We are secular. We know. Then. It is an Indian innovation because they produced some beautiful examples in the terms of secularism, which every country is now starting abiding. They क्या कहते हैं? Equal distance from all religion. कि भाई जितने भी religion है उससे equal distance बना के चल रही है government या state. State अपनी territory में खड़ा है, government और जो religion है वो अलग अलग. हमारे multiculturalism है, India is a multicultural country जहाँ पर different plural religions हैं, राइट? तो सारे रिलीजनों से इक्वल का डिस्टेंस है ताकि किसी रिलीजन को ये ना लगे कि मेरे साथ ज़्यादा जुड़े हुए हो, इनके साथ कम जुड़े हो, राइट? हर रिलीजन की आंखों में ये जो स्टेट है वो एक इंश्योर करता है कि वो बायस्ड ना दिखे, सबके लिए इक्वल डिस्टेंस है. मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन आप सभी को मैं एक नज़र से देख रहा हूँ, राइट? इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन, राइट? अगर आप सभी रिलीजन्स में हल्की फुल्की लड़ाई भी हो जाती है तो मैं बायस्ड होके नहीं, अनबायस्ड होके आप लोगों में एक तो मीडिएशन से आपके रिलीजियस मैटर्स को सुलझा भी दूंगा एज अ स्टेट, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन, जितनी सपोर्ट मेरे से दी जाएगी आपके लिए उतनी ही दूसरे रिलीजन के लिए भी दे दूंगा, राइट? एज हैपन्स इन हज सब्सिडी फॉर द मुस्लिम्स एंड यू नो फ्री ट्रैवल यात्रा फॉर द हिंदूज, चार धाम यात्रा, राइट? सो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी ओल्ड रिलीजन कि आप सभी से मेरा इक्वल डिस्टेंस बना रहेगा एज अ स्टेट, और जहाँ पर भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी आई विल कम एंड आई विल हेल्प यू, राइट? एंड इक्वल प्रोटेक्शन, अगर आप में कुछ लड़ाई हो जाती है या फिर कोई मैटर है जिसमें मीडिएशन की ज़रूरत है तो मैं मीडिएशन भी करूँगा, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन. हेयर द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज नॉट ओनली द रिलीजियस डिनोमिनेशन. खाली मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर रिलीजियस कि इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन, इनमें लड़ाई. अगर इनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, नॉट ओनली द रिलीजियस डिनोमिनेशन बट ऑल्सो द पीपल हु आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, अगर उनमें भी आपस में किसी तरीके की लड़ाई हो जाती है तो स्टेट विल कम एंड विल इंटरफेयर एंड विल सॉल्व द मैटर एज सून एज पॉसिबल, जैसा कि होता है. वी हैव दी ग्रास रूट ब्यूरोक्रेसी, SDM एंड DN. द प्राइमरी टास्क इज टू सॉल्व द कम्युनल टेंशन विच हैपन्स. जब इधर से भी एक रैली निकालनी है, मान लो कि एक जागरण की रैली निकालनी है और इधर से भी एक मुस्लिम कम्युनिटी की रैली निकालनी है, दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए और दोनों में भाईचारा बना रहे, राइट. सो दिस इज़ व्हाट स्टेट इज़ डूइंग बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट. और स्टेट यही करती है कि आपसे इक्वल डिस्टेंस भी है, आपकी मदद भी करते हैं, और जब आप में अगर लड़ाई की संभावना है तो उसको हम सॉल्व भी करते हैं और आपको इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं. आपको भी उतनी दी, आपको भी उतनी दी, आपको भी उतनी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी उतनी सपोर्ट कर रहे हैं, अनबायस्ड, राइट. Then no strict separation between the politics and religion, instead interdependent. Our politics and religion are not different as happens in the western countries. हमारे यहाँ तो जो politics होती है वो भी religion के बिहाफ पे होती है. हमारे यहाँ जो political schemes बनती हैं उनमें भी religious principles होता है कि ये religious moral है या नहीं है, religious के हिसाब से देखे correct है या नहीं है, right. So we have politics playing game in religion and religion playing game in the politics. Both are interdependent. एक दूसरे को positively interfere करते हैं और positively influence करते हैं ताकि एक harmony बनी रहे country में, right. And this is one of the important reason because of which despite having so much tensions in the name of communalism, still the Indian concept of secularism is not letting that communal tensions, that communal scenes to overcome our national unity, integrity and democratic republican nature of country. Then कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, एज आई मैंशनड कि आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं कि थोड़ा आप जैसे कि कोई पॉलिसी बनानी है तो दे विल आल्सो टेक द व्यूज ऑफ द रिलीजियस लीडर्स की इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट नॉट हर्टिंग द रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, राइट. एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय पॉजिटिव इंटरफेरेंस. रिलीजन भी ये बता देता है कि सर आपने ये जो पॉलिसी बनाई है इट इज़ हर्टिंग सम वे द इंटरेस्ट ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन एज वेल एज द रिलीजियस पीपल. सो व्हाट स्टेट डज? State molds that policy as per the recommendation of those religious denominations. ना तो state authoritative बनता है ना religion authoritative बनता है, right. And what people get, what people deserves and they get is that a harmonized way of culture where everywhere there is peace, society is running with the principles of democracy, a republic nature is established and secularism is established, no communal tension even though it happens, so state interface, do the mediation and control the situation, right. So ये था Indian secularism, Indian innovation, जिसको positive secularism भी बोला जाता है. As you can see in the image that we have different religions but still living happily, right. So this much was in this वीडियो और इन द सेशन ऑफ यूट्यूब ऑन द कंसेप्ट इन पॉलिटी सीरीज, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले टॉपिक्स पे. थैंक यू सो मच.